हेलो दोस्तों, शाओमी की तरफ से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि आप इंडिया टुडे का ये आर्टिकल देख सकते हैं, शाओमी रेडमी गो के नाम से मोबाइल लॉन्च कर सकता है और इसकी मेन खासियत जो है वो है इसका प्राइस, क्योंकि 3000 के ब्रैकेट में ये फ़ोन आने वाला है। गूगल का जो एंड्रॉयड गो प्रोजेक्ट है उससे शाओमी ने हाथ मिला लिया है और ये शाओमी गो के नाम से फ़ोन आने वाला है। इस फ़ोन में आपको 1 GB की रैम मिलेगी, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और एंड्रॉयड गो है तो आपको MIUI से छुटकारा मिलेगा, स्ट्रोक एंड्रॉयड का मज़ा दिया जाएगा और लाइट से लाइट एप्लीकेशन जैसे YouTube Go जैसे यूज की जाएंगी ताकि फोन की जो परफॉर्मेंस है और भी ज्यादा बढ़ सके। कंपनी ने कहा है कि जो फीचर्स फोन यूज करने वाली ऑडियंस है उनको टारगेट करते हुए ये फोन लॉन्च किया है, क्योंकि वो लोग जो 5000 से 6000 रुपए स्मार्टफोन के लिए नहीं स्पेंड कर सकते उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया जाएगा, जो 3 से 3500 की रेंज में आने वाला है और आपको स्ट्रोक एंड्रॉयड का मजा दिया जाएगा। लो स्पेसिफिकेशन के अलावा फोन का प्राइस 3000 रुपए इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इससे पहले मार्केट में एंड्रॉयड गो बेस्ड फोन हैं जैसे कि नोकिया 1, सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर, लेकिन वो मार्केट को इम्प्रेस नहीं कर पाए, इंडियन कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा था। इसलिए ये प्राइस रखा जा रहा है शाओमी की तरफ से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ़ोन पहुँचाया जा सके और कहा जा रहा है ये Redmi 7, Redmi 7 Pro, Redmi 7A के टाइम ये फ़ोन लॉन्च किया जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो ये इंडियन मार्केट को हिला कर रख देगा। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा अगर फोन लॉन्च होता है तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे। मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।